अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम अंकल। क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? ये मेरा और अल्लाह का मामला है। उम्र तुम्हारी छोटी है, बातें तुम बहुत अच्छी करते हो। ये बताओ, स्कूल जाते हो? हाँ अंकल, मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाता, मेरी माँ मुझे चने बनाकर देती है, मैं स्कूल बेचने जाता हूँ। मगर वो क्यों? मैं यतीम हूँ अंकल। ये बताओ बेटा, तुम्हारे घर कमाने वाला कोई नहीं? नहीं अंकल, मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, घर का सारा खर्चा मैं ही उठाता हूँ। अगर बेटा मैं तुम्हारी मदद करूँ तो? नहीं अंकल नहीं, इन हाथों को बाप के मरने के बाद मेहनत की आदत है, मांगने की नहीं। सुभान अल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह। अच्छे माँ बाप की तरबियत का यही नतीजा होता है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हें पढ़ाना चाहूँ, तो क्या तुम स्कूल जाओगे? नहीं अंकल, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। बेटा ये क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई इंसान को शऊर देती है, इंसान को जीने के तरीके सिखाती है, और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अजीब बात है यार। सुबह का बैठा मस्जिद के बाहर रो रहा हूँ, सब पढ़े लिखे यहाँ से गुजर गए, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। अगर पढ़ाई से कहते हैं तो ऐसी पढ़ाई मुझे नहीं चाहिए। बेटा तुम्हारी इस बात ने मेरे जमीर को झंझोड़ दिया। तुम सही कहते हो बेटा कि ऐसे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं जिसमें इंसान को इंसानियत की कदर ना हो, यतीमों के दुख दर्द का एहसास ना हो। ये बताओ बेटा, मैं तो समझता हूँ ऐसी पढ़ाई का फायदा कोई नहीं है, और जो तुम बातें करते हो ऐसी बातें तो कोई प्रोफेसर भी नहीं करता। यतीमी, गुर्बत और वक्त इंसान का सबसे बड़ा प्रोफेसर है अंकल, ये सब कुछ सिखा देती है। बेटा तुम्हारी बातें सुनकर मेरे कलेजे को हाथ पड़ गया। मैं तमाम मुआशरे के पढ़े लिखे लोगों की तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अपने आप को तुमने यतीम नहीं समझना बेटा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अंकल आपकी बहुत मेहरबानी, मैं इंसान का सहारा नहीं लेना चाहता, मैं उस अल्लाह का सहारा लेना चाहता हूँ जो सबका सहारा बनता है। शाबाश बेटा शाबाश। वाह मेरे मालिक, जो दर्द जो शौहर तूने इस बच्चे को दिया है, काश हमारे पढ़े लिखे मुआशरे को भी दे दे। हम दौलतमंद तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन हमें शौहर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। या अल्लाह हमें ऐसा दर्द दिल दे कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग, मुखैया लोग इन यतीम बच्चों का सहारा बन सके। बेटा तू यतीम तो हो गया, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वो दौलत वो अकल वो शऊर नहीं है कि मैं तुझे कुछ दे सकूं। अल्लाह ही तेरा वारिस है, अल्लाह ही तेरा वारिस है बेटा, अल्लाह ही तेरा वारिस है। वाह मेरे अल्लाह, आज तूने फिर मुझे इंसानों की मदद से बचा लिया, तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा मददगार। ए लोगो, यतीम होना जुर्म नहीं, गरीब होना जुर्म नहीं, लेकिन मेहनत ना करना सबसे बड़ा जुर्म। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते चलते दोस्तों हमें इजाजत दें, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।